नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा एकेडमी में। आज का जो विषय है वो पारसी समाज के अंतिम संस्कार के तरीके पर है कि जो तरीका है पारसी समाज का वो अब बदल क्यों रहा है, तो उस पर देखते हैं, जानेंगे हम विस्तार से इसके बारे में। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि पारसी धर्म है क्या। तो पारसी धर्म जो है दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। इसकी स्थापना जो है पैगंबर जरथुस्त्र ने प्राचीन ईरान में 3500 साल पहले की थी। 1000 सालों तक जोरास्ट्रियनिज्म दुनिया के एक ताकतवर धर्म के रूप में रहा। 600 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक यह ईरान का एक आधिकारिक धर्म रहा, लेकिन आज की तारीख में पारसी धर्म दुनिया का सबसे छोटा धर्म माना जाता है। हालांकि पारसी धर्म के सामने केवल घटती आबादी ही एक चुनौती नहीं है। पारसी करीब 1000 साल पहले ईरान में इस्लाम के उभार के बीच भागकर भारत आ गए थे। पारसी भारत के समृद्ध समुदायों में से एक है। पारसी अहुरमज़दा भगवान में विश्वास रखते हैं। दुनिया भर में अंतिम संस्कार के कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि हिंदू और सिख धर्म में शव का दाह संस्कार किया जाता है, इस्लाम और ईसाई धर्म में लोग शवों को दफनाते हैं। वैसे ही पारसी धर्म, जिन्हें भारत के बाहर जोरास्ट्रियंस धर्म कहा जाता है, को मानने वाले लोग मृतक के शव को गिद्धों का भोजन बना देते हैं। पिछले करीब 3000 वर्षों से पारसी धर्म के लोग दुखमेनाशिनी नाम से अंतिम संस्कार की परंपरा को निभाते आ रहे हैं। भारत में अधिकांशतः पारसी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ही रहते हैं, जो टावर ऑफ साइलेंस पर अपने संबंधियों के शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। टावर ऑफ साइलेंस एक तरह का गार्डन है, जिसकी चोटी पर ले जाकर सबको रख दिया जाता है, फिर गिराकर उस सब को ग्रहण कर लेते हैं। अब ये कहा जाने लगा है कि सब को सुखाने के लिए शोर संकेंद्रक के उपयोग और उनके मांस को चील कोवे के लिए छोड़ने वाली तमाम प्रक्रियाएं गिद्धों के बगैर पूरी तरह बेकार हो गई हैं। पारसी समुदाय के काइकोबाद रुस्तम फ्रेम जो हैं, वे हमेशा से यही सोचते आए थे कि जब वे मरेंगे तो पारसी धर्म की परंपरा के अनुसार गिद्ध उनके शव को ग्रहण करेंगे। लेकिन अब भारत के आसमान से यह पक्षी लगभग गायब हो चुका है, और ऐसे में पारसियों के लिए अपनी सदियों पुरानी परंपरा को निभाना भी बहुत मुश्किल हो चला है। 90 साल के काइको ने जब आखिरी सांस ली तो आकाश के गिद्धों के हवाले करने के बजाय उनके शव को जलाकर अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। मुंबई में बसे पारसी समुदाय के कई लोग अब दोकमेनाशिनी के बजाय विद्युत दाहग्राहों का विकल्प चुन रहे हैं। पारसी समुदाय का सदियों पुराना अंतिम संस्कार का तरीका अब गिद्धों के बिना कारगर नहीं रहा। इस मजबूरी में उन्हें अपनी पुरानी परंपरा को छोड़कर दूसरे धर्मों के तौर तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भारत के ज्यादातर पारसी रहते हैं। उन्हीं में रुस्तम फ्रेम की पत्नी जो खुर्शीद हैं, उन्होंने अपने पति की मौत के बाद उनका दाह संस्कार किया। वे कहती हैं कि जब से उन्होंने सुना था कि गिद्धों के ना बचने से अंतिम संस्कार का पारसी तरीका अब कारगर नहीं रहा, तब से वे क्रीमेशन यानी दाह संस्कार के तरीके से ही अपने अंतिम संस्कार करवाना चाहते थे। मुंबई में हर दिन औसतन एक पारसी की मृत्यु होती है। पारसियों के लिए अपनी घटती आबादी के साथ साथ एक चिंता गिद्धों की घटती संख्या भी है, क्योंकि इससे उनके अंतिम संस्कार की परंपरा पर भी खतरा मंडरा रहा है। गिद्धों की घटती संख्या के बीच पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार कराने के पारंपरिक तरीके पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। बॉम्बे पारसी पंचायत के पूर्व ट्रस्टी दिनसो टेम्बली कहते हैं, कोयल और चील मुर्दों में सिवाय चोंच मारने के अलावा कुछ नहीं करते। दकमा में सब करीब 6 से 8 महीने तक गर्मी में पड़े रहते हैं। दकमा के नज़दीक बसे लोग दुर्गंध की भी शिकायत करते हैं, क्योंकि जो दकमा प्रक्रिया है उसमें गिद्धों की बहुत मुख्य भूमिका है, और क्योंकि जो गिद्ध हैं वे लगभग विलुप्त हो चुके हैं, भारत में उनकी बहुत कम संख्या बची है, इसलिए अब क्या कहते हैं इस प्रक्रिया जो ये प्रथा है इस पर काफ़ी शिकायत आने लगी हैं। और अब जो पारसी धर्म के लोग हैं वे भी इससे काफ़ी परेशान हो चुके हैं, और वे अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो शोर संकेंद्रक के द्वारा शवों का जो दाह संस्कार हो, चाहे वो हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार दाह संस्कार किया जाए। तो ये तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं। तो जो सुधारवादी पारसी जहाँ शवों को जलाए जाने के तरीके से अंतिम संस्कार कराने के पक्ष में है, वहीं परंपरावादी पारसी हैं आज भी दकमा के सिवा किसी भी अन्य तरीके को अपनाने के खिलाफ हैं। मुंबई में जोरास्ट्रियन स्टडीज इंस्टीट्यूट के संस्थापक जहांगीर पटेल का कहना है कि हजारों खामियों के बावजूद पारसियों को अंतिम विदाई देने का तरीका पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल है। इससे किसी भी तत्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
परंपरावादी पारसी यह भी कहते हैं कि यह तो कुछ ऐसा है जैसे कोई किसी मुस्लिम को यह कहे कि वह अपने परिजन के शव को दफनाए नहीं बल्कि जला दे। वहीं सुधारवादी पारसियों का कहना है कि यह बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है कि अपने प्रियजनों के शव को महीनों तक ढेर में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। समय के साथ पारसियों को भी अपने पारंपरिक तौर तरीकों में कुछ बदलाव करना ही होगा। और आज जो है, आज के अखबार में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल देखने को मिला, ये खबर है, क्योंकि कोरोना के कारण क्या हो चुका है और गंभीर स्थिति बन रही है, बहुत सी मौतें हो रही हैं देश में कोरोना के कारण, तो उस संबंध में एक लेख है अखबार का, दैनिक जागरण का। देखिए, पारसी समाज में अब दोख में नशीन के बदले अग्निदाह से अंतिम संस्कार। कोरोना महामारी के चलते पारसी समुदाय को अपने मृत जनों के अंतिम संस्कार की 3000 साल पुरानी परंपरा दोख में नशीन को बदलकर अग्निदाह करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पारसी समाज में सबको गिद्धों के लिए टावर ऑफ साइलेंस पर खुले में छोड़ दिया जाता है, जैसा आपको बताया गया है। पारसी पंचायत सूरत के पदाधिकारियों ने कोरोना के चलते पारसी महिला पुरुषों के शवों को अब अंतिम संस्कार के स्थान टावर ऑफ साइलेंस यानी गोल गहरे गड्ढे में खुला छोड़ने के बजाय उनके अग्निदाह को मंजूरी दी है। पारसी पंचायत के प्रमुख एसजी करंजिया बताते हैं कि देश में उनके समुदाय के लोगों की जनसंख्या करीब 1 लाख है। सबसे अधिक लोग मुंबई में रहते हैं, जैसा हमने अभी अभी आपको पीछे बताया, जबकि सूरत में 2.5 से 3 हज़ार की आबादी है। इनमें कोरोना के चलते करीब 50 लोगों का निधन हो चुका है। पारसी समुदाय में शव के अंतिम संस्कार की दोख में नशीन परंपरा है, जिसमें शव को गिद्धों व अन्य पक्षियों के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। दरअसल पारसी समुदाय अग्नि, जल व पृथ्वी को पवित्र मानकर अपने मृत जनों के शव को उनके सुपुर्द नहीं करता। पारसी शिक्षक एवं कलाकार यजदी नौसर खान करंजिया बताते हैं कि समाज में लंबे समय से अंतिम संस्कार की विधि को लेकर चर्चा चल रही थी। गिद्धों की संख्या लगातार घटने से परिवार के सदस्य के शव को खुले में छोड़ने के बाद वह 6 से 8 महीने तक पड़ा रहता है। कोरोना महामारी में दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए अब अग्निदाह का विकल्प अपनाया गया है।